तमाम प्रयासों के बावजूद प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक नहीं लग पा रही है। अब इसकी रोकथाम के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। प्लास्टिक के उपयोग ना करने एवं उनके सदुपयोग को लेकर डीएम मंगलवार को काफी संजीदा दिखे। जिला वृक्षारोपण, जिला गंगा समिति व जिला पर्यावरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने और इसकी रोकथाम के लिए सभी को शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से ये भी जानकारी ली कि प्लास्टिक का सड़क पर इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अनुज सिंह ने कहा कि पौधरोपण हेतु स्थलों का चयन करते हुए गड्ढे खोदवा दिए जाए जिसके लक्ष्य से अनुरूप पौधों का रोपण समय पर हो सके। जिलाधिकारी ने पौधरोपण के लिए मियावकी पद्धति अपनाने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि रोड के किनारे खेतों की मेढ़ों पर कटीले तारों की जगह ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनसे पशु खेत में ना जा सके। पर्यावरण समिति की समीक्षा के दौरान प्लांगिंग की जानकारी करते हुए डीएम ने कहा कि जो ज्यादा प्लांगिंग करके लाएगा उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। जिला अस्पताल के पास ध्वनि नियंत्रण बोर्ड लगवाए जाने का निर्देश भी डीएम ने दिया। जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के ईओ को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा कूड़ा कलेक्शन घरों से हो ऐसे प्रयास किए जाए। सरान नदी और गोमती नदी में गिरने वाले नालों और नदी की पानी की क्वालिटी के बारे में जानकारी ली। निर्देश दिया कि राजघाट के पास गोमती नदी में जल कुंभी काफी ज्यादा है, इसका निस्तारण किया जाए और इसके स्रोत का भी पता लगाया जाए। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से ये पता करने को कहा कि यदि प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है तो खराब प्लास्टिक का सदुपयोग हो जाएगा। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता, एओ नगर पालिका सीतापुर वैभव त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।